ग्रह नक्षत्र तारे और सितारे बदलते हैं अपनी चाल और आपके आचार्य बताते हैं आपकी राशियों का हाल। मित्रों सादर जय श्री कृष्ण, हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज आपको बताने जा रहे हैं दैनिक राशिफल। यह राशिफल है 12 जून 2019 बुधवार का दिन है। ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की दसवीं तिथि है। हस्त नक्षत्र एवं कन्या राशि में चंद्रमा विद्यमान रहेंगे। गंगा दशमी या गंगा दशहरा का महापर्व इस दिन रहेगा। श्री गंगा जी के प्रागट्य दिवस के रूप में इस दिन को मनाया जाता है। गंगा जी का विशेष पूजन अर्चन किया जाता है। इसके साथ ही गंगा दशमी की कथा भी श्रवण करना चाहिए, क्योंकि गंगा जी का महात्म्य सुनने से अत्यधिक अनंत पुण्य प्राप्त होता है। दिशा शुल्क यदि हम बात करें तो उत्तर दिशा में रहेंगे, इसलिए उत्तर दिशा की यात्रा करना नुकसानदायी माना जाएगा। यदि किसी कारणवश उत्तर दिशा की यात्रा करना बहुत ज्यादा आवश्यक हो तो धनिया खाकर के यात्रा कर सकते हैं। सूखा धनिया, हरा धनिया या फिर धने की दाल। राहु काल जो कि दोपहर 12 बजे से लेकर 1:30 यानी 1:30 तक रहेगा, इस दौरान किसी भी प्रकार का शुभ मांगलिक या नया काम आपको नहीं करना चाहिए, क्योंकि राहु काल में सभी प्रकार के शुभ कार्य वर्जित माने गए हैं। ग्रह गोचर की यदि हम बात करें तो ग्रहों के राजा सूर्यदेव वृषभ राशि में, चंद्रमा कन्या राशि में, मंगल ग्रह मिथुन राशि में, वहीं बुध की यदि हम बात करें तो वो भी मिथुन राशि में, गुरुदेव बृहस्पति वृश्चिक राशि में, शुक्र वृषभ राशि में, शनि धनु राशि में, राहु मिथुन एवं केतु धनु राशि में रहेंगे। इस ग्रह गोचर के अनुसार मेष वृषभ मिथुन सिंह कन्या तुला और धनु ये 7 राशि वाले लकी रहेंगे। दिन इनके लिए सबसे अति उत्तम व्यतीत होगा। अब हम आपको मेष से लेकर के मीन सभी 12 राशि वालों का दैनिक राशिफल बताने जा रहे हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। अपना व्यवहार जितना लचीला रखेंगे उतने ही आप सफल रहेंगे। परिवार को लेकर के ज्यादा भावुक हो सकते हैं। परिवार की कोई पुरानी अनबन समाप्त होने वाली है। लचीले व्यवहार के दम पर 7 काम करने वालों के साथ समझौता हो सकता है। ऑफिस के काम ज्यादा रहेंगे। सेहत के ऊपर ध्यान आपको देना चाहिए। दोस्तों और भाइयों के साथ आपका समय व्यतीत होगा। कहीं पर धार्मिक आयोजन में हिस्सा लेने का अवसर भी आपको मिलेगा। आपकी परेशानी ज्यादा समय नहीं रहेगी। आलस से छोड़ करके एक एक काम यदि आप करेंगे तो आपको अवश्य ही फायदा होगा। और उपाय के रूप में कोई भी सुगंधित तेल का उपयोग करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृषभ राशि की। आपको अचानक धन लाभ हो सकता है। महत्वपूर्ण लोगों से आपकी चर्चा होगी या मुलाकात होगी या दूरभाष या फोन पर चर्चा हो सकती है। बातचीत, इंटरव्यू या सौदेबाजी के लिए दिन अच्छा है। दोस्तों और साथियों के दम पर आपके ज्यादातर काम पूरे हो जाएंगे। कुछ जिम्मेदारियां आप अगले दिन के लिए टाल भी सकते हैं। पुराने और बड़े लोगों से मुलाकात का योग है। अधूरे काम पूरे होने की पूरी संभावना है। भूमि, भवन, वाहन संबंधी लेन देन में आपकी रुचि बढ़ेगी। बिजनेस में नए अनुबंध हो सकते हैं। संपत्ति बढ़ाने की कोई योजना आपके सामने आ सकती है। और उपाय के रूप में एक लाल कपड़ा यदि आप हनुमान जी के मंदिर में चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मिथुन राशि की। बिजनेस करने वालों को अच्छी प्लानिंग से सफलता मिलेगी। नौकरी पेशा लोगों को अधिकारियों से मदद मिलेगी। पैसों के लिहाज से दिन अच्छा है। नए लोगों से आपके संबंध बनेंगे। कामकाज में जितनी मेहनत करेंगे उतनी ही तारीफ और मान सम्मान आपको मिल सकता है। कार्यक्षेत्र में अपनी प्राथमिकताएं बिल्कुल साफ रखें, इससे आपको ही फायदा होगा। आपको अपनी प्रतिभा दिखाने का नया अवसर प्राप्त होगा। ध्यान रखें कि नौकरी और निजी जीवन के मामलों में आप जो भी फैसला करेंगे उसका असर लंबे समय तक आपके ऊपर रहेगा। दोस्त आपसे प्रभावित होंगे। जीवन साथी से प्यार आपको प्राप्त होगा। आपकी आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। और उपाय के रूप में किसी भी गरीब या जरूरतमंद व्यक्ति को यदि कपड़े का दान आप करते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कर्क राशि की। आज आप काम निपटाने में बहुत ज्यादा जो है उत्साहित रहेंगे। मन पर कंट्रोल रखें, क्योंकि एनर्जी आपके अंदर बहुत रहेगी। मेहनत का परिणाम आपके पक्ष में रहेगा। किसी काम के लिए ज्यादा मेहनत आपको करनी पड़ेगी। खुद पर ध्यान दें, साथ ही लोगों से आपको मदद मिलेगी। आप कोई नई चीज भी सीख सकते हैं। आज आप किसी नए व्यक्ति से मुलाकात करेंगे, उससे फायदा भी होगा। यात्रा का योग बन रहा है। पुराने मामलों को लेकर के यात्रा भी हो सकती है। आप किसी काम में कुछ ज्यादा व्यस्त रहेंगे। अधिकारियों से सहयोग आपको प्राप्त होगा। और उपाय के रूप में यदि आप काले कुत्ते को रोटी खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा।
अब हम बात करते हैं सिंह राशि की। सकारात्मक सोच के साथ आप आगे बढ़ेंगे, ज्यादातर काम आपके निपट जाएंगे। काम पर बार बार विचार करने का अवसर भी आपको मिलेगा। पर्सनल लाइफ बहुत अच्छी रहेगी। नौकरी पेशा लोग नई योजना बना सकते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश भी करेंगे। अपने दोस्तों और मददगार लोगों की इज्जत मिलेगी, उनको सम्मान भी आपको देना चाहिए। किसी दोस्त को आप उपहार दे सकते हैं, समय का सदुपयोग आपको करना चाहिए। दोस्तों की मदद से कुछ जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कुछ तनाव या दबाव की स्थिति नियंत्रित हो जाएगी और आपको उससे फायदा भी होगा। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर से निकलते समय एक लौंग खा लेंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कन्या राशि की। ऑफिस में साथ काम करने वाले बड़े लोगों के साथ महत्वपूर्ण मामलों पर चर्चा होगी, इससे आपको खुशियां भी मिलेगी। कुछ नया आप सीख सकते हैं, रुके हुए काम पूरे होने के योग है। आपके विचारों को महत्व दिया जाएगा। कोई दोस्त या साथ काम करने वाला व्यक्ति आपको कंफ्यूज कर सकता है। खास लोगों से मुलाकात होने का योग है। काफी व्यस्त रहेंगे, पुरानी बातें भी आपको याद आएगी। अच्छा और मीठा बोलकर आप अपने सभी काम पूरे करवा सकते हैं। और उपाय के रूप में गाय को यदि आप गुड़ खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं तुला राशि की। हर काम को धैर्य और समझदारी से निपटाने का प्रयास करें। साथ ही कुछ लोग आपके लिए मददगार साबित होंगे। किस्मत का साथ मिलेगा, नई नौकरी की तलाश भी आपकी पूर्ण हो जाएगी। साथ ही सकारात्मक तरीके से आप आगे बढ़ेंगे, आपकी प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी। सोचे हुए ज्यादातर काम आपके पूरे हो जाएंगे। लोगों की नजर आपके ऊपर रहेगी। जमीन जायदाद में रुचि बढ़ेगी। अटके हुए काम आपके पूरे हो सकते हैं। भूमि भवन वाहन या स्थायी संपत्ति खरीदी या बिक्री में आप बहुत ज्यादा उत्साहित रहेंगे। आप परेशानियों से जो है खुद ही निपट लेंगे। साथ ही कुछ अनजानों या बिना जान पहचान के व्यक्ति से आपको मदद भी मिल सकती है। उपाय के रूप में यदि आप अपने घर के छत के ऊपर पक्षियों के निमित्त दाना और पानी रखते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं वृश्चिक राशि की। कुछ नए अनुभव आपको प्राप्त होंगे और आत्मविश्वास के साथ आपका सम्मान बढ़ेगा। घर के कुछ काम आज फोन पर ही आप निपटा लेंगे। बहुत से मामले आपके पक्ष में रहेंगे। बिजनेस बढ़ाने के अवसर आपको मिलेंगे। ज्यादातर मामलों में दिन आपका सामान्य रहेगा। पार्टनरशिप के कारण जरूरी काम आपके पूरे हो जाएंगे। कई तरह के विचार आपके दिमाग में उत्पन्न होंगे। सोचे हुए काम पूरे होने में समय लग सकता है। आपको कोई बात दूसरों की जो है बुरी भी लग सकती है। अचानक खर्च बढ़ने का योग है। खर्च पर आपको नियंत्रण रखना चाहिए। कुछ लोग आपके काम में रुकावट डालने का प्रयास भी कर सकते हैं। स्वार्थपूर्ण बातों के कारण कुछ संबंधों में बदलाव होने का योग भी बन रहा है। बिना जानकारी के कोई भी बात न कहे, जो भी बोले सोच समझ कर आपको बोलना चाहिए। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में बेसन की मिठाई चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं धनु राशि की। अपनी दिनचर्या व्यवस्थित रखें। करीबी लोगों को आपसे बहुत कुछ अपेक्षाएं रहेगी। आपको थोड़ी सुस्ती महसूस होगी। साथ ही बिजनेस की शुरुआत सुस्त रहेगी। धीरे धीरे कामकाज में गति आएगी। संतान के कामकाज पर आपको नजर रखनी होगी। संतान को समय देना पड़ सकता है। बड़े सपने आप देखेंगे लेकिन समस्या का समाधान भी आपको मिल जाएगा। उच्च और बौद्धिक वर्ग में आपका मान सम्मान बढ़ेगा। कुछ कामों में सफलता नहीं मिलने के कारण आपका मूड भी खराब हो सकता है। पैसों की देनदारी को लेकर के थोड़ी बहुत चिंताएं या परेशानी रहेगी। पारिवारिक जीवन थोड़ा उलझन भरा रहेगा। और उपाय के रूप में गणेश जी के मंदिर में यदि आप दूर्वा चढ़ाते हैं तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मकर राशि की। बिगड़े हुए काम और स्थितियों की जो है आप सुधार लाने का प्रयास करेंगे। शत्रुओं पर आपको विजय मिल जाएगी। नए संबंधों से फायदा होगा। दोस्तों से मदद मिलेगी। कामकाज के लिए जरूरी लोगों से आपकी मुलाकात भी होगी। कामकाज से जुड़ी कोई बड़ी चुनौती आपके सामने आ सकती है लेकिन उसका सामना भी आप कर लेंगे और सफल भी हो जाएंगे। प्रेमी या किसी करीबी दोस्त के साथ आपको बोलचाल यदि बंद थी तो वह शुरू करने का अवसर भी मिलेगा। राजनीतिक सामाजिक कार्यों में सफलता प्राप्त होगी। बिजनेस बढ़ाने का दिन रहेगा। और उपाय के रूप में किसी भी ब्राह्मण को यदि आप खीर खिलाएंगे तो आपका दिन शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं कुंभ राशि की। परेशान लोगों को राहत मिल सकती है। किसी काम को मन लगाकर करेंगे तो जल्द ही सफल हो जाएंगे। ऑफिस के कुछ काम निपटाने के लिए आपको रूटीन कार्यों में बदलाव करना पड़ेगा।
बिजनेस करने वालों को जितना हो सके काम करते जाए और एक एक करके सारे काम निपटाते जाए। नए कामकाज की योजना बनेगी, किसी तरह का निवेश भी आप कर सकते हैं और कोई नई खुशखबरी भी आपको मिल सकती है। आने वाले दिनों में आज के किए गए कामों का फायदा भी हो सकता है। आपके कामकाज करने की क्षमता बढ़ेगी, कार्यक्षेत्र में आपका प्रभाव बढ़ेगा और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में लाल रंग का फल चढ़ाना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। अब हम बात करते हैं मीन राशि की। आपकी व्यवहारिकता पर भावुकता हावी रहेगी। अपनी सभी योजनाएं और विचार अच्छी तरह से दूसरों को आप समझा सकेंगे। आपको आने वाले दिनों में फायदा होगा। पुरानी समस्या का कोई नया ही पहलू आपके सामने आ सकता है। ऑफिस के अधूरे काम पूरे हो जाएंगे। घूमने फिरने का दिन आपका बहुत अच्छा रहेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। बिजनेस, नौकरी, कार्यक्षेत्र में आपका महत्व, प्रभाव और लाभ बढ़ सकता है। जमीन जायदाद से जुड़े नए फैसले आप कर सकते हैं और उपाय के रूप में किसी भी मंदिर में तुलसी का पौधा दान करना आपके लिए शुभ फलदायी सिद्ध होगा। तो मित्रों, यह 12 राशि का दैनिक राशिफल और उनको करने वाले उपाय हमने आपको बताए हैं। हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय आपके और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।